सबको लाइफ में ना फ्रीडम चाहिए, कोई रोकने वाला ना हो, टोकने वाला ना हो, जो मन करे वो कर सके। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका दोस्त विजेंद्र। और मैं हूं सुनील। और दोस्तों, आज आप हमें देख रहे हैं नए लुक में। हाँ, दोनों भाई हम हो गए हैं साफ और बढ़िया लग रहा है यार। खुली खुली हवा लग रही है, ठंड भी लग रही है, सुकून है, बहुत सुकून है भाई। मजा आ रहा है, पूरा मजा आ रहा है। तो आज हम देखने जा रहे हैं ट्रेलर मलंग का, जिसमें है आदित्य रॉय कपूर और दिशा पत्नी और अनिल कपूर। Okay. और कुणाल खेमू भी हैं इसमें। तो काफी बढ़िया बढ़िया मूवी है। आशिकी जो आई थी 2, हाँ, तो काफी बढ़िया रोल था। और भी काफी मूवीज इन्होंने की है, और इनकी एक्टिंग मतलब ज्यादातर हमने जो है शराबियों की देखी है। दिशा पाटनी तो अच्छी एक्टिंग करती है, लुक वाइज बहुत अच्छी है, उनका जो फेस कट है ना वो बिल्कुल अलग डिफरेंट। और अनिल कपूर काफी मूवीज कर रहे हैं यार, और इसमें भी वो मिल रहे हैं। वो भाई फिर से जवान होता जा रहा है अनिल कपूर। तो देखते हैं इसका ट्रेलर। तुझे पता है हम तीनों एक जैसे हैं, सारे किलर्स, लेकिन तुम लोगों को किसी को मारने में मजा नहीं आता। मेरे लिए जान लेना मेरा नशा है। हम सबको लाइफ में ना फ्रीडम चाहिए, कोई रोकने वाला ना हो, टोकने वाला ना हो, जो मन करे वो कर सके। You tell me, तुम्हारे लिए सुकून क्या है? To live life from one high to another. साला, हम किलर लोग का हार्ट सही जगह पर नहीं होता। मर्डर रिपोर्ट करना है सब। जिसने भी ये किया है वो कोई आम किलर नहीं है। आज का अंधेरा बहुत गहरा आने वाला है। किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा, किसी को नहीं। और खामोशी कान भर, जान लेना मेरी जरूरत है। यही तेरी कहानी शुरू हुई थी और आज यही खत्म होगी। ये रात इतनी जल्दी खत्म नहीं होगी सर, अभी बहुत कुछ होने को बाकी है। जान लेना मेरा नशा है, जान लेना मेरी जरूरत है, जान लेना मेरी आदत है, जान लेना मेरा मजा है। भाई सारे जान लेने के पीछे पड़े हुए, मतलब तो भाई क्या लगा है? एक चीज समझ में आ गई फिल्म में कि मलंग नाम तो रख दिया है, लेकिन टारगेट में क्या है? जान लेना। किसी का मजा है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है, किसी का मजा है, किसी को नशा है, किसी का जुनून है, तो भाई समझ ही नहीं आ रहा कि और जान लेना किसके चाहते हैं, ये समझ ही नहीं आ रहा। ये भी पता नहीं लग रहा। बाकी मरते हुए तो बहुत सारे दिखाए हैं इसमें, और पीटते हुए मारते हुए बहुत लोगों को दिखाया है, लेकिन ये पता नहीं लग रहा कि ये लेना किसके चाहते हैं जान असल। और मतलब ये मूवी जिन्होंने आशिकी 2 बनाई है, और जिन्होंने बनाई है एक जो मूवी थी इनकी पुरानी, वो मतलब सस्पेंस थ्रिलर वाली मूवीज बनाते हैं, तो वही थोड़ा सा आशिकी 2 तो चलो तो फिर भी आशिकी वाली थी, पर मलंग ये लग रहा है कुछ तगड़ा ही कुछ होने वाला। गाने इसके बहुत अच्छे थे और वो चीज थी, लेकिन मलंग
नाम के हिसाब से तो मेरे को कुछ और ही दिख रहा है इस फिल्म में, क्योंकि जिस हिसाब से ये सिर्फ मारने के चक्कर में है कुछ दिखाया हुआ है। तो ऐसे स्टोरी में तो ये लग रहा है कि जैसे वो घूमने फिरने के शौकीन है बंदे, वो स्टोरी शायद अलग है, उसके बाद कुछ मार काट वाली स्टोरी कुछ अलग है। शौकीन है और शायद आई थिंक ये चाहते भी है किसी को मारना मारना भी, क्योंकि उसने कहा कि हम चाहते हैं कि अपनी तुम्हारी लाइफ का ड्रीम क्या करते लीव लाइफ टुगेदर वन नाइट। तो मेन चीज उनकी जिंदगी का टारगेट वो है कि वो एक रात साथ जीना चाहते हैं, और वो पता नहीं जीना चाहते हैं वो मारने वाली बात है, क्योंकि जैसे आपसे उसने पीछे बैकग्राउंड में दिशा पाटिल ने बोला उसमें कि जान लेना मेरा मजा है भाई, मजे के लिए तो यार सीधी सी बात ना, एक रात रखो साथ में और मार दो और वो चीज दिखा रहे थे इस पे। और गोवा के शूट दिखा रखा है गोवा का पूरा, और चल रही भाई पार्टी शार्टी को भाई, मेरे को तो वो वाले शॉट्स बहुत अच्छे लगे जो पानी में कर रखे स्कूबा डाइविंग वाले, वो वाले बहुत अच्छे शॉट्स लिए हैं जिसने शूट किया है, बहुत एफर्ट लगता है उनको शूट करने के लिए। और एक यंग जनरेशन के लिए मूवी आ रही है, मतलब यंग जनरेशन जो आजकल घूमने फिरना चाहती है और मजे करना चाहती है, ऐश करो जिंदगी के, और ये जान लेने वाला काम तो कुछ अलग ही लग रहा है। मेन तो यार देखो सीधी सी बात है, जिसको ट्रैवल करना है घूमना है उनके लिए मौज मस्ती के लिए तो बहुत सही है, क्योंकि इसमें जो विजुअल्स दिखाए गए हैं और जो चीज़ें बताई गई वो तो बहुत डिफरेंट है, क्योंकि हर कोई मतलब चाहता है कि एक लाइफ को अच्छी तरह जिए। अलग अलग तरह के एडवेंचर दिखाए गए हैं जो कि मतलब बंदा करना चाहता है अपनी लाइफ में जो भी है। अनिल कपूर जी इस फिल्म में एक पुलिस वाले के रोल में दिखे हैं और पता नहीं क्या करना चाहते हैं भाई, वो भी जान लेने के लिए तुले हुए हैं, कहते कि भाई मेरे को भी जान लेने में मजा आता है पर भाई उनका मतलब देखना होगा इतनी एज हो गई है तब भी वो भाई बिल्कुल पूरा और भाई यंग बहुत पीटते हैं उसको यार, एक बात है आदित्य रॉय को बहुत पीटते हैं। कुणाल खेमू का भी अच्छा एक रोल दिखाया है मतलब, और आदित्य रॉय ने बहुत अच्छी बॉडी बना ली है पहले तो, बहुत ही बढ़िया आज की टू में तो भाई साहब ऐसे लग रहा था कि बेवड़ा इंसान और सब कुछ, लेकिन इसमें तो भाई साहब ऐसे लग रहा है कि खतरनाक बॉडी निकल के आ रही है पूरी, एक्शन हीरो वाली लुक में आने लग गया धीरे धीरे। और जब वो उनकी टी शर्ट फटती है भाई साहब क्या लुक आता पूरी बॉडी का उनके, और लुक भी थोड़ा सा अलग लग रहा है इसमें, थोड़े बाल लंबे करके वो आए हैं थोड़े से, और हेयर स्टाइल तो चेंज कर ही दिया इन्होंने थोड़ा सा, और फिर जो पीठ पे जो टैटू बनवा रखा है भाई साहब वो तो बिल्कुल ही डिफरेंट लगता है कि अब तो भाई साहब खतरनाक। जेल वेल का सीन भी दिखाया कि जेल में पीटते हुए लोगों को, तो यानी वहाँ पे भी जान लेना छोड़ा नहीं है भाई, कहीं ना कहीं कोई बच जाए बस जान। तो इसका नाम मलंग इन्होंने रखा, मलंग किस बेस पे रखा नाम वो थोड़ा समझ में नहीं आया भाई, मलंग वही होते हैं जो छुट्टे सांड होते हैं तो उन्हीं को बोलते हैं मलंग, तो इसमें भी बंदे सारे मलंग ही लग रहे हैं। लेकिन मेरे को दिशा पाटनी का समझ नहीं आया कि उनका लास्ट का जो सीन दिखाया वो क्या सोच के और क्या मलंग के हिसाब से बना वो समझ में नहीं आया, वो मतलब मूवी का सस्पेंस है भाई जो एंड में दिखा दिया वो मूवी का सस्पेंस है। अब वो तो देखा 7 फरवरी को मूवी आ रही है, उसी दिन पता लगेगा कि एक्चुअल है क्या। तो ये था मलंग का ट्रेलर जो कि एक एक्शन से भरपूर ट्रेलर था, आपको ये ट्रेलर कैसा लगा हमें जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में लिख के हमें, और साथ ही साथ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले, और लाइक करें यार वीडियो को दोस्तों के साथ, शेयर करें वीडियो ज्यादा से ज्यादा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।